जय माँ काली। एक बार फिर आपके समक्ष हम उपस्थित हैं, कुछ घर के संबंध में, आपके मकान के संबंध में, आपके सपनों के घर के संबंध में कुछ जानकारियां लेकर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अगर अपने घर के लिए भूखंड तलाश कर रहे हो तो आप कैसा भूखंड आप खरीदें। इसके पश्चात मेरे पास कई फोन आए, व्यक्तिगत रूप से लोगों ने पूछा कि अगर हम कोई भूखंड देख रहे हैं तो कैसा भूखंड ना खरीदें। तो हम आपको आज बतलाएंगे कि कैसा भूखंड आपको नहीं खरीदनी चाहिए अपने घर बनाने के लिए, दुकान के लिए या व्यवसाय के लिए। तो चलिए हम आपको बताएंगे, लेकिन बतला दें कि आप मेरे चैनल को इंस्टा और फेसबुक पर भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी लेकिन बेहद ही अनुकूल जानकारियां लेकर आपके समक्ष आएंगे। तो आज जान लें कि आप जमीन तलाश रहे हैं, भूखंड खोज रहे हैं, तो इतने तरह के भूखंड को आप कभी भी ना खरीदें। जैसे कि आप दंडाकार भूमि कभी ना लें, इससे धन हानि होती रहेगी और राज भय रहेगा, केस मुकदमे में भी आप फंस सकते हैं। षडाकार भूमि कभी ना लें, शंकराकार भूमि कभी ना लें, इससे संतति की हानि होती है। धन की हानि तो होगी ही, जब संतति की हानि तो धन की हानि। कूर्म पीठाकार भूमि कभी ना लें, विषम भुजा वाला आप भूमि कभी ना खरीदें। ढोलक की तरह जो जिस जमीन का आकार प्रकार है वह भी कभी ना खरीदें। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हो और देख रहे हो कि बहुत उबड़ खाबड़ है, उसके आदि अंत का, उसके कोने का पता ही नहीं है, तो कभी भी ना खरीदें। ऐसे जमीन पर आप चाहे जितना भी वास्तु कर लें, पूजा करा लें, आप शांति से नहीं रह सकते हैं। धनुषाकार भूमि कभी ना खरीदें, आप कभी भी विपत्ति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आज आप जान रहे हैं कि कैसी भूमि आपको खरीदनी चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त आपको कुछ भूमि दिखे, कहीं आप देखने जा रहे हो, गांव में, शहर में देख रहे हो, लेकिन हमने जो बताया इसके अतिरिक्त भी कोई आकार प्रकार की भूमि है, तो आप मुझे चैनल के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं कि यह जमीन कैसा है और वह आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अगले वीडियो में हम बतलाएंगे द्वार योजना। द्वार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जमीन भी अच्छा खरीदा, गृह भी अच्छे से बना लिया, पूजन और गृह प्रवेश भी अच्छे से करा लिया, लेकिन फिर भी आप उस तरह से सुखचैन से नहीं रह पा रहे हैं उस घर में जैसा कि आपने सोचा था, तो निश्चय ही द्वार योजना में दोष है। मुख्य द्वार आपको घर में कहाँ बनाना चाहिए, ये अति आवश्यक है वास्तु अथवा भूमि, गृह अथवा व्यवसाय स्थल के लिए। तो अगले वीडियो में मैं द्वार योजना के विषय में जानकारी दूंगी। आज के लिए इतना ही। जय माँ काली।